बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको हम बता दें कि लालू यादव के आने का इंतजार किया जा रहा है बिहार में, क्योंकि लालू यादव फिलहाल सिंगापुर में है। वो अपनी किडनी के इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए थे, जहां सक्सेसफुल उनका इलाज हो चुका है। ऐसा आशंका लगाया जा रहा है कि वो जनवरी में लौटेंगे बिहार। लेकिन जो राजनीतिक जानकार, उनका मानना है कि लालू यादव के बिहार लौटते ही बिहार में कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिससे कि बिहार की राजनीति में हलचल हो सकता है। आपको हम बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को 2023 में मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो यह साफ कर दिया कि 2025 तक वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। सभी ने आशंका लगाया था कि तेजस्वी यादव को 2023 तक मुख्यमंत्री पद देकर नीतीश कुमार केंद्र के दावेदार बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया 2025 तक हम कहीं नहीं हिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो है विरोध होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसका जो हवा है अभी तक वो बाहर नहीं आई है। लेकिन सभी लोग इंतजार कर रहे हैं लालू यादव के बिहार लौटने का, उसके बाद जो होगा बिहार में वो देखने लायक होगा, क्योंकि नीतीश कुमार शुरू से ही पलटी मारते आते हैं। आपको पता होगा कि कभी बीजेपी के साथ पलटी मारते हैं तो कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी को धोखा देते हैं तो कभी आरजेडी को। लेकिन इस बार आरजेडी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आरजेडी को पता है कि नीतीश कुमार सत्ता के इतने पजदर हैं कि वो किसी का भी साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बार जो है पलटी मारने की बाजी आरजेडी की है। इस बार जो पलटी मारेंगे वो आरजेडी के नेता होंगे, लालू यादव होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि वो उन्हें पता है कि नीतीश कुमार को अगर हटाना है तो कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार भी दिग्गज नेता है, उन्हें शिकस्त कर देना, उन्हें पद से हटाना बहुत मुश्किल होगा लालू यादव के लिए। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है, तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं उनके पिता लालू यादव के बिहार में आने का, उसके बाद देखना वो किस तरह का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वो बिहार में ही कब्ज रहे। आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, वो बिहार की नंबर वन पार्टी है, और नीतीश कुमार की जो पार्टी वो तीसरे स्थान पे आती है, बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनकर रह गए हैं। कहीं ना कहीं ये मन में खलल है कि जिसे सीएम होना चाहिए वो डिप्टी सीएम बना हुआ है। आपको हम बता दें कि 2016 में नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया था शराबबंदी का, उसके कारण अभी जो परेशानी झेलना पड़ रहा है महागठबंधन को, जिसे कि फेस कर पा रहे तेजस्वी यादव के लिए बहुत कठिन हो गया है। आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार अपना फैसला वापस लेने के पक्ष पे नहीं है, वो लगातार शराबबंदी को कायम रखेंगे बिहार में, और बिहार में जो लोग मरे हैं, छपरा जिले में जो लोग मरे हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को कहीं नुकसान हो चुका है। जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को हटाकर मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने का जो बात वो सोचे थे, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2023 में पूरा होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो भी तैयार होंगे अपनी तरफ से। अब देखना होगा कि किसकी जीत होने वाली है। आपको हम बता दें कि फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन जो अंदर ही अंदर है वो दरार पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि 2025 तक हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि वो कब तक इंतजार करेंगे सीएम बनने का, क्योंकि बिहार का नंबर वन पार्टी होने के बावजूद भी वो डिप्टी सीएम बनकर ही रह गए हैं, और नीतीश कुमार अभी तक मुख्यमंत्री जो पद है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में कौन सा काम होने वाला है जनवरी में, कितने बड़े फैसले लिए जाएंगे, और लालू यादव जब बिहार लौटेंगे तो क्या कुछ होने वाला है। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं श्रीकांत भारती, और आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज। धन्यवाद। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।